गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आइए आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफस्टाइल में। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई है ये बनाना स्मूदी, जिसमें एक बनाना डाला हुआ है, एक कप मिल्क है और 2 से 3 चम्मच मैंने ओट्स डाले हैं, जो मैंने पहले भिगो दिया था, फिर उसको डाल दिया। और मीठे के लिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो बनाना की स्वीटनेस है वो काफी होती है। मैं इतना ही मीठा खाती हूँ, ज्यादा मीठा मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो अगर आपको डालना है तो आप 1 चम्मच हनी का डाल सकते हैं। आप बनाना नहीं खाते हैं तो आप एप्पल भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बनाना हमारा वेट बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। कोई भी चीज अगर हम पोषण में खाएंगे तो वेट बढ़ेगा नहीं, बल्कि बनाना से आपको एनर्जी आएगी, पूरा दिन आपको एनर्जी मिलेगी और आपको वीकनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो मेरा आज कोई लिक्विड पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये बनाई है स्मूदी टाइप्स। मेरे को लगा चलो ये पीती हूँ। अगर वैसे मेरे को एप्पल ओट्स स्मूदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर मेरे पास बनाना भी रखा हो तो मेरे को लगा आज मैं बनाना वाली पीती हूँ। और ये काफी हेल्दी है। ओट्स है तो ओट्स में फाइबर होता है, बनाना है बनाना में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। तो यही पीने वाली हूँ आज मैं ब्रेकफास्ट में। जरूरी नहीं आपको यही, मैं अगर मैं पी रही हूं तो आपको ये पीना है, नहीं। अगर आपको कुछ खाना है जो आपके घर बना है, आपको वही खाना है। टेस्ट करते हैं इसका, बहुत टेस्टी बनी है और मीठा एकदम परफेक्ट है, जैसे मेरे को अच्छा लगता है। ओट्स डालने के बाद ना ये ज्यादा हैवी हो जाती है, मतलब आपका पेट कम से कम 3 से 4 घंटे तक लंच तक भरा रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यार मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट खाया, लाइट नहीं है। बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ज्यादा पावर पैक्ड ड्रिंक है। आप अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई, आप एक बार बनाए और अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे तो आपको सारा दिन एनर्जी रहेगी। तो चलो आराम से बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइस, मैं अपना लंच रेडी करके आ चुकी हूँ। लंच में आज मैं गोभी का पराठा खाने लगी हूँ। साथ में कोई गर्ड नहीं ली, दही वगैरह कुछ नहीं ली, ना मैं चाय ली, बस मैं ऐसे ही खाऊंगी। गोभी का पराठा मेरे को ऐसे भी अच्छा लगता है। घी में बनी हुई कोई भी चीज आप खा रहे हो वो ऐसे भी खाई जाती है। तो गोभी का पराठा मेरा फेवरेट है। मैंने जैसे वो मेरे को वीडियो देखते हैं, उनको मालूम है गोभी का पराठा बहुत पसंद है। तो इस टाइम लंच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को गोभी रखी हुई, तो मेरे को लगा पहले आलू गोभी बना लेती हूँ, फिर मेरे को लगा नहीं मैं एक पराठा खाती हूँ, तो बस मैं एक पराठा खाने लगी हूँ। बस आप क्वांटिटी मैटर करती है, आप 1 से 1.5 खाएं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत खाएं पराठा, क्योंकि फिर कैलोरीज ज्यादा हो जाती है। तो मैंने ये गोभी का पराठा बनाया, मेरे को बहुत यमी लगता है। इसका टेस्ट करके देखते हैं, मेरे से कंट्रोल भी नहीं हो रहा। बहुत टेस्टी बना है, अजवाइन वगैरह डालती हूँ ना, मेरे को बहुत यमी लगता है गोभी का पराठा। आप लोग बताना आप लोगों को क्या गोभी का पराठा अच्छा लगता है या आलू का लगता है। आलू से ज्यादा मेरे को गोभी का अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा है लंच आज मेरा। अगर आपको पराठा मॉर्निंग में करना है तो आप मॉर्निंग में खा सकते हैं, लंच में खाना तो लंच में खा सकते हैं। 1 से 1.5 से ज्यादा मत खाएं। अगर इस टाइम पे रोटी सब्जी खा रहे हैं या राइस वगैरह खा रहे हैं, बस आप क्वांटिटी ध्यान रखें उसकी। तो चलो आराम से बैठ के अपना लंच कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो गाइज, मैं अभी अभी अपनी ग्रीन टी लेके हटी हूँ और अभी 4 बजे का टाइम है। ग्रीन टी पी थी मैंने, साथ में मैंने आज खाया था एक किन्नू खाया था, और मैंने 11:30 बजे करीब एक ब्लैक कॉफी ली थी, साथ में मैंने एलमंड्स खाए थे, बादाम खाए थे 4 से 5। लंच 1 बजे किया था, तो सुबह का मैंने स्मूदी पी, फिर मैंने लंच में रोटी अपने एक पराठा खाया, फिर उसके बाद किन्नू खाया। अभी मेरे को डिनर का समझ में नहीं आ रहा, मैं डिनर में क्या बनाऊँ। मेरे को चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी तो मैं इडली सांभर खा के आऊंगी, 2 इडली खाऊंगी साथ में सांभर लूंगी। तो मेरा डन हो गया ये चीज कि मैं ये खाऊंगी। तो वीडियो का मैं आगे क्या बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं डिनर अपना इसमें एड ऑन करूंगी, डिनर में थोड़ा लेट करके आऊंगी ना, अभी 4 बजे 6 बजे करूंगी तब तक, तो फिर मैं अपनी अपलोड कब करूंगी। इसलिए पहले मैं डाउनलोड अपलोड सब कुछ करके फिर मैं बाहर जाऊंगी। इसलिए डिनर मैंने आपको बता दिया, मैं इडली खाऊंगी, वो भी बाहर से खाऊंगी। कभी कभी चलता है, एंड वैसे भी इडली हम खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या डिनर में खा सकते हैं, बस क्वांटिटी मैटर करती है। तो आज का मैंने आपको तीनों के तीनों मील्स बताया कि क्या मैंने खाया है। तो गाइस, मैंने अपना कैमरा स्टैंड में लगा लिया, पता है मेरा हाथ ही दर्द दुख किया था यार ऐसे ना, पता है आप मेरे को आदत नहीं रही ना सेल्फी में बात करने की, मैं स्टैंड लगा के बात करती हूँ। जैसे पहले मैं खाली, जब मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैं सेल्फी से ही बात करती, तो मैंने अभी स्टैंड लगा लिया, मैं कहा आराम से बात करूंगी। तो आपने मैं लंच एंड ब्रेकफास्ट देखा है, डिनर में मैंने आपको बोला कि मैं वो खाऊंगी इडली सांभर खाऊंगी। तो देखती हूँ अभी थोड़ी देर तक बाहर जाऊंगी, अभी 4 बजे हैं, 6 बजे तक आराम से जाऊंगी, 7 बजे तक मैं डिनर करूंगी आज। और आज बसंत पंचमी है, तो पता है यहाँ पे तो काइट्स वगैरह उड़ते ही नहीं है दिल्ली में। मैं ये सोच रही हूँ जहाँ हम लोग जैसे हरियाणा वगैरह उस साइड तो बहुत ज्यादा पतंगे उड़ती हैं, इस साइड बिल्कुल भी नहीं उड़ रही। यहाँ पे पता है कब उड़ती हैं पतंगे? यहाँ पर उड़ती हैं 15 अगस्त को पतंगे उड़ती हैं, पूरा आसमान भरा होता है। मैंने व्लॉग भी बनाया था 15 अगस्त के टाइम पे, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था अपनी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख के आ सकते हैं कि कैसा व्लॉग था वो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। क्लोज करने के लिए हमको ब्रेकफास्ट और लंच कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ। ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, हैवी करना चाहिए हमको अपना ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको अपना
लाइट करना है, अगर आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी करेंगे ना, अच्छे से करेंगे जो भी आप खा रहे हैं, तो आपका पूरा दिन आपको एनर्जी मिलेगी और आपको सच में क्रेविंग्स नहीं होंगी। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप मीठे का भी कुछ बना के खा सकते हैं, ओट्स वगैरह या फिर दलिया वगैरह, बस उसमें आप जैगरी पाउडर ऐड कर लें, मतलब अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करेंगे तो पूरा दिन एनर्जी रहेगी और लो बिल्कुल फील नहीं होगा। और जो लंच है उसमें भी हमको कार्ब्स लेने ही लेने हैं, रोटी सब्जी हमको खाने या राइस खाने, एक चीज खाएं, रोटी खाएं या राइस खाएं, दोनों में से एक चीज खानी है आपको, पोर्शन कंट्रोल करके साथ में सैलेड सब्जी वगैरह हर एक चीज लेनी है। तो हमको ब्रेकफास्ट और लंच अपना हैवी ही करना है, डिनर आता है जो लाइट करना होता है, ताकि हमारा डिनर ऐसा हो कि हमको नेक्स्ट डे हमारा वेट लॉस हो, क्योंकि हमने देखो दो मील्स तो हैवी ले लिया ना, उसके बाद डिनर हम हल्का भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम इवनिंग स्नैक लेते हैं, इसलिए डिनर हमेशा आपको लाइट करना है ताकि आपको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आप नए नृत्य सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने नृत्य ट्राई करना मत भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।